ए है, ये लेग बी है और हाइपोटेन्यूज सी है, तो इसकी एरिया कितनी निकालोगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस बी इंटू हाइट ए। अगर आप बी को बेस मान रहे हैं तो ए हाइट हो गया। ऐसे क्या है, अगर आपने ये बी है, ये ए है और ये सी है, आपने इसको बेस माना, आपने हाइपोटेन्यूज को बेस मान लिया, तो फिर हाइट ये हो जाएगी एच। तब आप एरिया क्या बोलिएगा? हाफ ऑफ बेस सी हो गया और हाइट एच हो गया, ये हो गया, और दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि एरिया सेम है। चाहे जैसे निकालो, इस मेथड से निकालो या इस तरीके से निकालो, एरिया तो सेम है। तो सेम करोगे तो हाफ ऑफ कट जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू एच। यहाँ से एच क्या आ गया? हाइट आ गई ए बी बाई सी। कल ही बताए थे ना, कल ही दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी बाई सी। तो ये एरिया से हो गया। एरिया से हमने एक बार इसको बेस माना, इसको हाइट माना, एक बार इसको बेस माना, इसको हाइट माना, दोनों बार किया, इक्वल हो गया। आज के प्रॉब्लम में जो मैं कर रहा हूं, ये जो है इसका रेडियस निकालना है, इस सेमी सर्कल का। तो मैं इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, यहाँ परपेंडिकुलर लगा, इसको इससे मिला दिया, तो यहाँ एक ट्रायंगल ये बन गया, ये वाला। तो इस ट्रायंगल के लिए कैसे निकलेगी? हाफ ऑफ बेस 5 इंटू हाइट आर, तो ये आ गया। यहाँ पे कैसे निकलेगी? हाफ ऑफ बेस आर इंटू हाइट 3, तो इस ट्रायंगल के एरिया इतनी आ गई, इस टोटल ट्रायंगल की एरिया इतनी आ गई, और दोनों एरिया मिला कर कितना होना है, जो टोटल ट्रायंगल का एरिया है 6, दोनों एरिया मिलाए 5 r/2 और 3 r/2, 8 r/2 इज इक्वल टू 6। तो सवाल यहाँ से आ गया, आर कितना आ गया? 3/2, है ना? समझ में आया? यस अब जिन्हें दिक्कत होगी वो तो फिर से वीडियो देखेंगे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इतना इजीली, मतलब जिन्हें बैकग्राउंड जिनका नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा इस तरह की चीजें। चलिए, कल पूछा है आपसे, कल एक और चीज थी इसी में, कि अगर हम सेमी सर्किल वैसा ना बना करके सेमी सर्किल ऐसा बना दे जो यहां पे और दोनों को टच करा, ऐसा था क्या कल? ऐसा था। ये 3 है, ये 4 है, इसका रेडियस पूछ, इसका रेडियस आर है। तो पूछा कि ये आर है और ये आर है, ये दोनों को टच कर रहा है, इसको भी इसको भी, तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी रेडियस कितनी होगी? तो यहां भी कुछ ऐसा करेंगे, यहां भी जोड़ लीजिए, ये सेंटर है, बेस इंटू हाइट, ओके, ये आर हो गया। तो उसको ट्राई करिएगा, इसको भी एरिया से ट्राई करिएगा, जैसे पिछला वाला ट्राई किए हैं, ये है एरिया से, इसको इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलिए, कल के प्रॉब्लम में और क्या था, कोई बताएगा? अच्छा, लिखे नहीं होंगे, देखते हैं कल के प्रॉब्लम में क्या हो रहा है। ये था, अच्छा इसमें भी नहीं था, ये था, ये 2 हो गया, नहीं कुछ और इसके पहले भी था, इस पेज में होगा क्या? नहीं, कैसे पूछ सकता है ये? कौन बोला? विकास शर्मा। तीसरा हो गया, ठीक है, विकास शर्मा पेरीमीटर एम हो आर गया, पूछ सकता, आर पूछ सकता है, ठीक बात है। हाँ, या फिर सरकम सेंटर, तीनों को। इसका सरकम सेंटर पूछ सकता है। गुड, कल जो है हम लोग जो बात कर रहे थे, ठीक है, इसका सरकम सेंटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब चीजें पूछ सकता है इजीली। ये है, सॉरी, एक सर्कल है, सर्कल में एक ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है।
कोई बताएगा इस सर्कल का सेंटर ये क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा? 2.5 और कोई सर, 2.5 कैसे? सर, डायमीटर बाई 2 होगा सर, क्योंकि जो सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस। बिल्कुल ठीक बात है, डायमीटर बाई 2 होगा। गुड, ठीक है। कल बात हुई थी इस पे कि आप यहाँ यस सर, रेक्टेंगल बना देंगे। हाँ, ये ऐसे कट करेगा, ये सब 5 बाई 2, 5 बाई 2, 5 बाई 2, 5 बाई 2 का। वैसे भी डायमीटर है, 90 डिग्री कंटेन कर रहा है, तो दोनों इक्वल, दोनों वो डायमीटर हो जाएगा। जो जो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है वो जो है डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर कल एक प्रॉब्लम डिस्कस हुआ था कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो सर्कल रख दें तो क्या होगा। एक ये यहाँ पे है और बिल्कुल ऐसा ही रखना है ना, तो इतना बड़ा नहीं रखा पाएगा, थोड़ा छोटा रखते हैं। एक ऐसा रखते हैं और एक ऐसा रखते हैं, बिल्कुल एक जैसा टच कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो उसका कितना होगा, हाइट कितना होगा उसका, इसकी रेडियस कितनी होगी? ठीक है, टोटल 3 है, ये 4 है और ये 5 है। चलो अब जरा जोड़ो, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और इसको देखो ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो। ठीक है, मान लो देखो इसकी रेडियस कितनी है, आर, तो ये भी हो गई आर, ये भी हो गया आर, इसका आर, इसका आर, ये भी आर, ठीक ना। अब ये निकाल, और ये आर, ये टोटल 2 आर हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 2 आर। और ये कितना होगा ये देखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। चलिए तो निकालते हैं, ये 3 आर, ये आर है, अच्छा ये टोटल कितना है, 3 आर है, तो अब आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये यहाँ पे अगर हमको ये मिल जाए तो ये और ये मिल करके 4 के बराबर है। ठीक है, कैसे मिलेगी, कोई बताएगा ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी? सर 4 माइनस 3 आर हो जाएगी। उससे क्या मिलेगा, आर तो नहीं पता है ना, वैल्यू कैसे मिलेगी उसकी? कैसे मिलेगी? अच्छा, एंगल बाइसेक्टर है ये, अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना, एंगल बाइसेक्टर है, बिल्कुल बीच से पास कर रहा है, थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा हो गया। टेन थीटा निकल जाएगा यहाँ से और टेन 2 थीटा निकलेगा यहाँ से, तो दो फार्मूला आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। चलिए देखते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और टेन थीटा यहाँ से निकल जाएगा और टेन 2 थीटा यहाँ से निकलेगा। टेन 2 थीटा पता है 3 बाई 4, और टेन थीटा ठीक है, निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स है। अब मुझे नहीं पता आपको कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है, समस्या ये कि ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करनी पड़ेगी। इस ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाई एक्स, और बड़े वाले ट्राइंगल में टेन 2 थीटा, टोटल ये एंगल है, टोटल टैन आ जाएगा, टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4। ठीक है, अब ये है मसला, आर बाई एक्स, टैन थीटा तो पता चल गया, अब आर बाई एक्स, और हमें आर पता करना था। अब टैन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ, टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। पता नहीं कितने लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। यस सर, कौन, यस सर, यस हाँ कौन कौन, नूतन जानते हैं? अच्छा, नूतन तो अभी ज्वाइन किए हैं, और कौन जानता है, यस कुबेर सर, आपको पता है? जी सर, मुझे पता है, जी सर, चलिए तो उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये एक बढ़िया यूज हो जाता है इसका कि आर ऐसा हुआ, आर ऐसा हुआ, ये 2 आर हो गया या आर हो गया। और
बड़े ट्रायंगल में टेन टू थीटा, छोटे ट्रायंगल में टेन थीटा, ये निकालना पड़ेगा आर बाई एक्स। लेकिन यहाँ पे वैल्यू रखा जाएगा तो आर भी अननोन है, एक्स भी अननोन है, ठीक है। अच्छा, और ये आर हुआ, यहाँ से एक्स हुआ, अच्छा ये डिस्टेंस, ये आर हुआ तो ये थ्री माइनस आर हो गया। हाँ ऐसे भी सोच सकते हो, ये थ्री माइनस आर हुआ तो ये भी थ्री माइनस आर हो गया, टोटल फाइव हुआ, तो इसमें से घट के आ जाएगा कितना, थ्री माइनस आर टू प्लस आर हो गया, और ये आर पता है ही, तो टेन थीटा इज टू प्लस आर, टू प्लस आर, तो टू टू प्लस आर। हाँ मतलब जिन्हें आती है ज्योमेट्री वो समझे बात को, जिन्हें ट्रिगोनोमेट्री आती है, देखो खैर ये तो है ही है, टेन थीटा यहाँ से कितना आ गया, परपेंडिकुलर बाई है बेस, आर बाई एक्स, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, सोचो ये आर हुआ तो ये भी आर हुआ, माइनस आर हुआ, ये पॉइंट बाहर है तो ये और ये इक्वल होगा, ये भी थ्री माइनस आर हुआ, टोटल पांच में से थ्री माइनस आर घटाओगे तो टू प्लस आर बचेगा, अब ये टू प्लस आर हुआ तो ये भी टू प्लस आर हुआ, तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा यहाँ पे आ गया ये वाला इस एंगल में आर बाई टू प्लस, तो एक्स की जगह आप टू प्लस आर लिख सकते हैं, एक्स की जगह टू प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है। और टेन टू थीटा, और टेन टू थीटा बड़े वाले से तो पता चल ही गया कि ये थ्री था और ये फोर था, तो टेन टू थीटा थ्री बाई फोर हो गया, इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए टेन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, जो लोग का बैकग्राउंड नहीं रहा होगा लोग के लिए पढ़ा पाना थोड़ा, चलिए इसको खत्म करते हैं फिर आगे देखते हैं, आगे यूज करेंगे जहां ट्रिग्नोमेट्री का यूज होती हो। टेन टू टू थीटा आ गया थ्री बाई फोर, ये आ गया इज इक्वल टू टू टेन थीटा को बार बार लिखना ना पड़े इसलिए इसको टी स्मॉल लिख ले रहे हैं, यहाँ भी वन माइनस टी स्क्वायर लिख दे रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो इसके बराबर था आर बाई टू प्लस, जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू आई है इसको तुम आर बाई टू प्लस आर लिख दो, तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, यहाँ से आर आ जाएगा। कितने लोग कर लेंगे इस प्रॉब्लम को? जी सर। कौन? जी सर। कितने लोग कर लेंगे फिर से बोलिए। जी सर मैं कर लूंगा। यस सर। ठीक है नकुल। यस सर। प्रतीक्षा भी कर लेंगी। पूनम जी आप नहीं कर पाएंगी, लेकिन मुझे तकलीफ है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, शायद आपको पता ना हो, है ना? पूनम हेलो। हाँ अच्छा आप यहाँ पे हैं। हाँ आपको तो समझ आपसे नहीं हो पाएगा सर। सर हो तो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने क्योंकि ट्वेल्थ में अपना स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, बायोलॉजी से हूँ तो इसलिए हो तो जाएगा लेकिन देखना पड़ेगा। काम की भी हूँ और दिमाग भी चले, आवाज जा रही है? यस सर। अगर आवाज जा रही है तुरंत मुझे कोई मैसेज कर देगा ग्रुप के, तो मैं जान जाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट का शायद अगर प्रॉब्लम होगा तुरंत मैं जान जाऊंगा, दूसरा नेट जोड़ लूंगा। मोबाइल पे मैसेज कर दीजिएगा कि आवाज चली गई। चलिए कोई बताएगा, पहले थोड़ा बताइएगा आप लोग, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी लेंथ जो है एल है, साइड जो है वो एल है, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मिड पॉइंट ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा इस केस में, सारे मिड पॉइंट को आप जोड़ते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, सारे मिड पॉइंट जहां मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, जी जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या आप बताएंगे कि ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, कोई बताएगा? होती है कितनी होती है
वाला होगा। नकुल जी सर आप बोल रहे हैं बताइए। सर वन रेशियो टू में होगी सर, नीचे वाला वन ऊपर वाला टू। अरे यार वो रेशियो है ना, आपके पास 1 करोड़ रुपया और मेरे पास 50 लाख रुपया है, तो रेशियो 1/2 है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मेरे पास 1 रुपया और आपके पास 2 रुपया है। वो रेशियो बता रहे हैं आप, वैल्यू नहीं बता रहे हैं। मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ कि इस ट्रायंगल की साइड अगर एल है तो आप बताइए कि इसके सेंट्रॉइड से बेस की डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी की वैल्यू पूछ रहा हूँ, रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ। वैसे रेशियो तो आप जानते हैं कि ए जी बाई जी एल जो है 2 होता है, रेशियो आप जानते हैं कि अर्टेक्स वर्टेक्स ए जी बाई जी के, यहाँ के अगर पॉइंट ए जी बाई जी के इज इक्वल टू 2/1 होता है। वर्टेक्स से जो दूरी होती है इसमें निकाल सकते हैं सर, इसको इसको सर निकाल सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एल वाई एल एल वाई टू का होल स्क्वायर सर। इससे तो एल निकलेगा ना। हाँ सर फिर उसको नहीं सर ये परपेंडिकुलर निकल आएगा, उसको फिर डिवाइड कर देंगे 2 रेशियो 1 में। हाँ बहुत अच्छे, ठीक बात है, इनका कहना ठीक है। इनका ये कहना है कि इनका ये कहना है, पूनम समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ये परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉप कर रहे हैं इससे जो मिड पॉइंट ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में है जो परपेंडिकुलर होता है वो मिड पॉइंट पे ही गिरता है एल 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 का, तो इतनी दूरी तो एल बाई टू हो गई और इतनी दूरी एल है ये 9, तो पाई मान लीजिए टोटल दूरी हाइट एच है, टोटल हाइट, तो पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एल बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहां से एच स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, तो एच स्क्वायर आ जाएगा 3L² / 4, यहां से एच आ जाएगा एल रूट 3/2, एच आ गया एल रूट 3/2, एच आ गया एल रूट 3/2। पूनम समझ में आया जी सर सबको, ये इतना तो समझ में आना चाहिए सबको। यस सर ठीक है ओके। अब देखिए अब वापस आते हैं उस प्रॉब्लम को, कि पिछले प्रॉब्लम में ये जो था ये अगर x है, ये दूरी अगर x है तो ये दूरी 2x होगी, ये अगर x है तो ये दूरी 2x होगी। नकुल यही बोल रहे थे कि डबल होगा, रेशियो 2 होगा, तो ये इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी 2x है, दोनों मिलके कितना है 3x, और हाइट कितना आया था हमारा एल रूट 3/2 आया था, तो यहां से x निकल जाएगा आपका, x कितना आ गया 1√3 कट जाएगा, तो एल बाई 2√3 आ जाएगा, x हमारा एल बाई 2√3। तो ये आपको एकदम पहाड़ सेंट्रॉइड होता है, उस सेंट्रॉइड से बेस की दूरी ये जो है वो एल बाई 2√3 होती है, ठीक है, और सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी इसका डबल होती है इंटू टू ये होती है एल बाई 2√3, ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा दूं, किसी भी ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सेंटर ये है, सेंट्रॉइड यहाँ पे है, सेंट्रॉइड से बेस की दूरी इस बेस की या इस बेस की या इस बेस की, ये तीनों दूरी x हुई या स्मॉल r हुआ, तो सेंट्रॉइड से बेस की दूरी कितनी होती है L बाई 2√3 होती है, सीधे याद रखिएगा। और या आप कह लीजिए कि जो सर्कल बनेगा इन सर्कल उसका रेडियस कितना होता है, वो यही होता है L बाई 2√3 होता है। और अगर आपसे पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में जो सेंट्रॉइड है वहां से बेस की डिस्टेंस, सॉरी कॉर्नर की, यहाँ इस वर्टेक्स की, यहाँ इस वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी होगी,
तो इसका डबल एल बाई टू रूट थ्री का डबल, इसका डबल होता है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डबल होगा तो एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री। यानी अब ये जो है ये सर्कल है, पूछ सकता है कि सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा, क्या बोलेंगे, एल बाई रूट थ्री। दोनों प्रॉब्लम को एक में कर दें कि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कीजिए और इसके बाहर सर्कल ड्रॉ कीजिए। अगर ट्राइंगल का लेंथ एल है, एल है, एल है, तो भीतर जो सर्कल है उसकी लेंथ रेडियस आर वन, इसकी रेडियस, सॉरी इसकी रेडियस आर वन, इसकी रेडियस आर वन है और बड़े वाले की रेडियस आर टू है। तो आर वन कितना आ जाएगा, आर वन है सेंटर से बेस की दूरी एल बाई टू रूट थ्री, और आर टू है बड़े वाले का रेडियस जो कि सेंटर से वर्टेक्स की दूरी है, तो आर टू आ जाएगा एल बाई रूट थ्री। क्लियर है? यस सर। यहां से शुरू हुआ है पूरा खेल कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें बताइए, उसमें इसकी साइड्स जो है वो एल लेंथ की हैं, ठीक है, और पूछा यह है कि साइड्स एल है तो आपको पूछा है कि जो सेंट्रॉयड है, मतलब सारी मीडियंस को मिलान, जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उस सेंट्रॉयड से अगर हम पर बेस पे परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लंबाई कितनी होगी, और सेंट्रॉयड को अगर वर्टेक्स से कनेक्ट करें तो वो कितना होगा। तो आपको रिजल्ट याद रहना चाहिए कि सेंट्रॉयड से बेस की डिस्टेंस ये x, ये आ रहा था l बाई टू रूट थ्री, एकदम जबान पर होना चाहिए l बाई टू रूट थ्री। सेंट्रॉयड बहुत ज्यादा यूज होगा आगे, ये और ये ऐसा होता है कि लोग सन्नाटे होते हैं इसमें, लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉयड से बेस की दूरी हो गई कितनी, l बाई टू रूट थ्री, और इसका डबल होगा इस चीज का, इतनी लंबाई का डबल होगा ये वाला लंबाई, तो इसका डबल हो गया, इसका डबल करोगे तो टू नीचे से गायब हो जाएगा। तो सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की दूरी हो जाएगी एल बाई रूट थ्री, और सेंट्रॉयड से बेस की दूरी हो जाएगी एल बाई टू रूट थ्री। पूनम समझ में आया? जी सर आ रहा है। नहीं आया? नहीं सर, आ गया मेरे समझ में। अच्छा तो बताइए, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉयड से बेस की डिस्टेंस क्या होगी? सर एल अपॉन टू रूट थ्री। कौन बोला? सर मैं पूनम। अच्छा हाँ, और सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की दूरी क्या होगी? सर एल अपॉन रूट थ्री। गुड, ठीक है। और विकास, विकास है? यस सर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लंबाई कितनी होगी? सर ए बी अपॉन सी होती है सर। गुड, ठीक है। हरी आप लाइन पे हैं? यस सर। हाँ, किसी भी जो अपना राइट एंगल ट्रायंगल है उसके भीतर जो इन सर्कल है, उसके भीतर जो सर्कल बनता है तीनों को टच करता हुआ, जिसको हम इन सर्कल बोलते हैं, तो उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? कितनी होगी? दोनों लेग, हाँ ये तो हाइट की हो गई ना, ये तो हम राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री वाले से परपेंडिकुलर डाले थे तो उसके हाइट की हो गई, लेकिन हम पूछ रहे हैं वर्टेक्स जो है जो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कल बना रहे हैं इन सर्कल, उसकी रेडियस पूछ रहे हैं। रेडियस,
हाँ इन रेडियस। वैभव आप बताइए। हेलो। हाँ हाँ वैभव बताइए। यस सर, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। हाँ दोनों लेग्स को जोड़ेंगे उसमें से हाइपोटेन्यूज घटा देंगे डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अच्छा ठीक है, सविता लाइन पे है? जी सर। हाँ आप बताइए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है। अच्छा आप कॉमर्स कल किसमें थी बता रही थी, कॉमर्स से है? सर आर्ट्स से है बट मैथ हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है। तब कैसे हम लोग बात कर पाएंगे, भाषा आपकी मेरी है नहीं। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जी सर। कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री ना यूज करूं, ज्योमेट्री में सिर्फ पाइथागोरस वगैरह से काम चलाऊं। तो बताइए कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को के बाहर हम सर्किल ड्रॉ करें, मतलब ऐसा सर्किल ड्रॉ करें जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर को टच करता हुआ, मतलब पूरे ट्रायंगल को घेर लिया है, तो आप बताइए कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का रेडियस कितना होगा। आपको राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स पता है ए और बी और उसका हाइपोटेन्यूज पता है सी। साढ़े आठ बजे छोड़ेंगे। बताइए और कोई बताएगा, इनसे मैं पूछता हूँ। निकिता बताइए। सॉरी सर आ नहीं रहा मुझे यार। आप भी आर्ट से हैं? जी सर आर्ट से हैं और सर कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे चीजों को ठीक से। हाँ मैं समझ रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बड़ी दुविधा है, अब जो है वो है, अब कैसे बता सकते हैं। अच्छा ठीक है। सविता को और निकिता को, दो लोग को दिक्कत हो रही है। और सर मुझे भी प्रॉब्लम होती है। पूनम को भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सविता निकिता पूनम, तो अब देखिए ऐसा है ना कि तो फिर बाकी जो पक्ष हैं इसके एग्जाम के उन पर जोर दे दीजिएगा। इसमें कुछ चीजें मैं रटा दूंगा, बस उतना ही कर लीजिएगा। ज्योमेट्री में आप लोग को फाइनल कंक्लूजन्स कुछ दे दूंगा, उन्हीं को रट लीजिएगा, उससे काम हो जाता तो ठीक है, नहीं तो बाकी जो अन्य इसके पक्ष हैं। इतना ज्योमेट्री में मत दम लगाइएगा क्योंकि मैथ्स वाला पोर्शन तो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। ये इसकी लेग्स ए और बी है और ये सी है, आपसे हाइट एच पूछ सकता है, आपसे मिड पॉइंट का पूछ सकता है। ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसा है। आपसे ये के है, मिड पॉइंट एम है, के परपेंडिकुलर है। अगर सी के पूछेगा तो आप बोलेंगे दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका नाम सी नहीं है, इसका नाम एम है, इसकी लंबाई सी है। ठीक है, अगर आपसे सीएम पूछेगा तो आप बोलिएगा सिंपल हाइपोटेन्यूज का आधा। अगर आपसे पूछेगा कि भीतर जो रेडियस है ये रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर बताओ और बाहर बार आर बताओ, तो स्मॉल आर पूछेगा तो आप बोलिएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, और कैपिटल आर पूछेगा जो इस बाहर वाले का रेडियस है तो आप बोलेंगे सी बाई टू हाइपोटेन्यूज का आधा। चार बातें तो वहां याद कर लेनी है बिल्कुल, है ना। Yes, sir. अब जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछ सकता है कि भाई ये आपका सेंट्रॉइड हुआ, सेंट्रॉइड से एलएलएल है, सेंट्रॉइड से बेस की दूरी बताइए कितनी होगी, तो सेंट्रॉइड से बेस की दूरी हो जाएगी एल बाई टू रूट थ्री, और सेंट्रॉइड से
वर्टेक्स की दूरी हो जाएगी इसका डबल इंटू टू एल बाई रूट थ्री। और आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे एक भीतर सर्कल है और एक बाहर सर्कल है, भीतर वाले की रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले की कैपिटल आर है। अगर भीतर वाले की रेडियस पूछे तो भीतर वाले की रेडियस भीतर वाले की वही होगी जो ये होगी एल बाई टू रूट थ्री, और बाहर वाले की पूछे कैपिटल आर तो वो यहाँ से जो इसकी दूरी होगी वो इसका डबल है, तो बाहर वाले का हो जाएगा कैपिटल आर एल बाई रूट थ्री। तो ये चार पांच चीजें ये हुई और ये पिछले बार की हुई। तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि दिमाग तो ज्यादा वहां पूरा डिराइव तो करना नहीं है, ये रिजल्ट्स आपके दिमाग में हर रोज नाच जाए थोड़े थोड़े, है ना? ठीक है। ये रिजल्ट्स नाच जाए। अब ये चार बातें हो गई, तो ये मैं पूछूंगा कल फिर क्लास शुरू होते ही पहले मैं पूछूंगा चार बातें, ये पूछूंगा और इसका सेमी से इसका जो है ये दूरियां पूछूंगा, ये और ये बात वही है, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर, ये बातें याद रखिएगा। ओके, अब जो है अब आते हैं वापस यहाँ कि किसी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल है कोई कोई सर्कल है, मान लो कुछ इस तरह कर लेते हैं कि राइट एंगल में उतनी चीज है, चीजें तो बहुत ज्यादा है लेकिन अब उसमें जा नहीं रहे। अब आ जाइए इक्विलेटरल में फिर से, या राइट एंगल में ही आ जाते हैं। राइट एंगल में जो स्क्वायर कल बनाया था मैंने, ये स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है, ये स्क्वायर है, इतनी लंबाई तीन है, इतनी लंबाई चार है और इतनी लंबाई पांच है, और भीतर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसकी लंबाई ए है, इसकी भी ए है, इसकी भी ए है। कोई बताएगा कैसे होगा, क्या पूछेगा? फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड ए, ए क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। कोई बताएगा कैसे होगा? जो मैथ्स के लोग हैं 2 मिनट ट्राई करें। सर इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, और कोई रास्ता इसमें ऊपर से ठीक सिमिलैरिटी से हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, सिमिलैरिटी से भी और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, और कोई रास्ता? चलिए दोनों से कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये चीजें दिखने में छोटी लगती हैं, चलिए ये अगर ए है तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये टोटल तीन था तो ये कितना हो गया, अच्छा ये फोर था तो ये कितना हो गया, ए हुआ तो फोर माइनस ए ये हो गया, 4 - a हो गया, ठीक है। और ये एंगल अगर ये तो सब में वही है, इस ट्रायंगल में देखो ये छोटा ट्रायंगल है, इसी का बड़ा रूप ये ले लिया गया है, ये बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा रूप ले लिया गया है। तो क्या करिएगा,
कि ये तो थ्री था टोटल, आप इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले में देखो क्या बोलते हैं। ट्रायंगल में होता क्या है कि छोटे ट्रायंगल की हाइट ए डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की हाइट तीन बराबर बराबर छोटे ट्रायंगल का बेस कितना फोर माइनस ए डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस फोर। ठीक ना, फिर से दोहराता हूँ कि छोटे ट्रायंगल की हाइट बाय बड़े ट्रायंगल की हाइट टोटल इतना इज इक्वल छोटे ट्रायंगल का बेस फोर माइनस ए डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल का बेस। तो बड़े ट्रायंगल का बेस क्या है फोर, छोटे का कितना है फोर माइनस ए, सॉल्व कर लो फोर ए इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस थ्री ए है ना। यस सर, इसको इधर भेज दीजिए सेवन ए इज इक्वल टू ट्वेल्व, ए इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई सेवन। तीन लोग पूनम अंकिता और निकिता उनके लिए बात मैं ये बता दूं, ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ऐसा है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ मैं ऐसा, अगर इस टोटल लंबाई ये एक्स है, इतनी लंबाई इतनी एक्स है इतनी वाई है टोटल और इतनी छोटी सी ये जेड है और ये टोटल टोटल पी है और ये जो है कुछ आर है या एस है। ठीक है, एस है। अगर जाहिर सी बात है दिखने में कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, देखिए ये एंगल वही है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है क्योंकि 90 डिग्री पड़ रहा है। तो सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में होता क्या है कि बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एस डिवाइडेड बाय छोटे वाले का परपेंडिकुलर, मान लो ये कुछ यू है एस बाय यू इज इक्वल टू बड़े का बेस वाई डिवाइडेड बाय छोटे का बेस एक्स इज इक्वल टू बड़े का हाइपोटेन्यूज पी डिवाइडेड बाय छोटे का हाइपोटेन्यूज जेड। ये होता है, ऐसा होता है। अब वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज की है। ठीक है, बात समझ में आई, फिर से बता देता हूँ क्या यूज की है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है ये बी ए है, ए ए ए चारों है। ठीक है, नीचे वाला फोर था तो इतना कितना हो गया फोर माइनस ए और टोटल क्या हो गया फोर। यहाँ क्या था, ये कितना हो गया थ्री माइनस ए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी टोटल थ्री है, टोटल थ्री है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, बड़े वाले का छोटे वाले का हाइट डिवाइडेड बाय बड़े वाले का हाइट तीन इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस फोर माइनस ए डिवाइडेड बाय फोर। तो इसको सॉल्व करके पा लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। तो कल से जो जो बातें हुई हैं फिर से मैं दोहरा देता हूं, उन बातों को ही दिमाग में समेटिए। हाँ, अगर समय मिले तो हम लोग हफ्ते में जो तीन दो क्लास ले रहे हैं, अगर मुझे ना आपको छोटी छोटी क्लासेस चाहिए जैसे इस तरह की, तो मैं दो तीन क्लास दो क्लास और ले सकता हूँ। हाँ, दो तीन क्लास और ले सकता हूँ, दो क्लास और छोटी छोटी ले लूंगा 45 मिनट की, क्योंकि उस माइंडसेट में मैं हूँ नहीं, बाकी दो तो लेता ही रहूंगा। ये जो है और इच्छा होगी तो बताइएगा, कभी भी शाम को बैठ जाएंगे आधा घंटा 45 मिनट दो चार चीज बता देंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में ना बड़ी क्लासेस बहुत लेंदी हो जाएंगी, और जैसे छोटी छोटी चीज मैंने बताई इन सबको बिल्कुल लिख लीजिए, जैसे जितने तरह के प्रॉब्लम है उसमें आप ये प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं, कुछ मतलब बड़े प्रॉब्लम छोड़ दीजिएगा, ये वाले जो अभी कराए जिसमें दो सर्कल यूज हुआ है वो वाला छोड़ दीजिएगा, जिसमें वो सब ज्यादा टाइम, ये भी छोड़ दीजिएगा,
ये सब बस खुराफात है, पूरा हो सकता है, मजा आएगा, सब होगा, लेकिन पूछेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम एकदम अपने दिमाग से ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि समय खाएगा आपका। होने को तो हो जाएगा, देखो हो ही गया, ठीक है, लेकिन समय खाएगा। आप सिर्फ जो मैंने बताई है चीजें, कि ये जो एक समरी है, कि ये जो है ये ट्रायंगल की जितनी बातें पूछ सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ए और इसमें भी यही चार बात पूछेगा, ठीक है। और किसी ट्रायंगल में अगर हम स्क्वायर रख दें तो तुरंत कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से ये हो जाएगा। इतनी बातें करिए, इतनी की प्रैक्टिस करिए, और हमसे मन हो तो 45 मिनट आधे घंटे 45 मिनट क्लास में मैं छोटी छोटी चीजें बताता रहूंगा। तो दो लंबी क्लास लीजिए, दो छोटी क्लास ले लीजिए हफ्ते में, चीजें ज्यादा है ना। ओके सर, ओके सर।